Hey guys, good morning. I hope that you all will be very good. So, today we are going to continue our lecture number 27. And now this would be very interesting for all of you that today we are going to start the last stage of our English grammar. It is all about stage number 4. Okay, it is the last but not the least. So, we are going to continue our lecture number 27 today. I'm Kashif Iqbal and we will continue with this lecture with the rules. Now, these are the rules which are very important. ये वो rules हैं जो कि बहुत important हैं समझने के लिए, बहुत important हैं understanding के लिए, बहुत important हैं for our future, बहुत important हैं as a candidate, as a student, एज अ टीचर. अगर हमें इन रूल्स का आइडिया है, इन रूल्स का ताल्लुक नरेशन से है जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं. सो हमारी जो स्टेज नंबर 4 है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस तरह हमने स्टेज नंबर 3 में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े थे, इसी तरह हम स्टेज नंबर 4 में नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स भी पढ़ेंगे और उनके साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो भी करेंगे. इसके दो लेक्चर हैं. इस वक्त मैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आपने इसको सुनना है, हर रूल के साथ आगे उसकी एग्जांपल दी गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी ना हो. सो रूल नंबर 1, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच रिमेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. देखें, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं, खासकर जो डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें क्या है, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. एक होता है इन्वर्टेड कामास से बाहर, दूसरा होता है इन्वर्टेड कामास के अंदर. जो पार्ट ऑफ सेंटेंस इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है, यानी कि पहले होता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, अली सेड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू लाहौर इन्वर्टेड कामास क्लोज फुल स्टॉप. इसमें जो अली सेड है, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच. रूल नंबर 2, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच रिमेन्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. अब ये हमारे पास रूल नंबर 2 है. जैसे मैंने आपको रिपोर्टिंग स्पीच का बताया कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है, तो इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. नंबर 3, द नेम ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज रिपोर्टिंग वर्ब. अब सुने ज़रा, वो जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है, जैसे मैंने आपको कहा अली सेड, अब ये जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. नंबर 4, द नेम ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज रिपोर्टेड वर्ब. अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा चूंकि रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, तो इसका जो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा. नंबर 5, इफ़ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, He says that he goes to school. ये हमारे पास एक indirect speech है, क्योंकि अगर हम इसका direct बनाएं तो क्या बनेगा, He says, inverted comma start, I go to school, inverted comma close. अब चूंकि ये present tense में है तो ये present tense में ही रहेगा, change नहीं होगा. जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में बताया था कि
past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous, इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। इसी तरह सादा लफ्ज़ों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसका भी जो टेंस है रिपोर्टेड वर्ब का वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो असल बात कहाँ पे घूमती है, वो घूमती है रूल नंबर 6 के इर्द गिर्द। मैं अभी आपको रूल नंबर 6 सुनाता हूँ। हम रूल नंबर 6 देखते हैं जी। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड वर्ब विल डेफिनेटली बी चेंज। ये है असल बात। अब कहानी है सारी पास्ट टेंस पे, यानी कि अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर वो उसका जो टेंस है वो पास्ट में होगा तब जाके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच उसके अंदर जो वर्ब है जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं वो चेंज होगा। ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी विल गो टू लाहौर। तो क्या बनेगा इसका रिपोर्टिंग स्पीच? ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। सो रूल नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। If reporting speech is in past tense, then we will change the reported verb as follow. अगर reporting verb, reporting speech का जो verb है वो past में हो तो हम reported verb को इस तरह change करते हैं। इसके लिए ये एक छोटा सा chart है, ये आप देखेंगे। Present simple into past simple. नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 5 पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस इनटू past perfect continuous, next past perfect and past perfect continuous will remain same, मतलब इसको हम change ही नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर will या shall होगा reported speech के verb के अंदर तो वो would में change हो जाएगा। इसी तरह can अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है अगर वो कैन हो तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, अगर मे होगा तो वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक की पॉइंट था रूल नंबर 7, जो कि अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेज हैं उनको समझना या उनको ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट कभी नहीं होगा ज़िंदगी भर। सो हम रूल नंबर 8 डिस्कस करते हैं। वी नेवर चेंज द रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, ये कंडीशन ज़रूर है रूल नंबर 8 में कि जनाब अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गॉड इज वन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। He said that God is one. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे रहेगा, उसका हम चेंज नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास आज के लेक्चर के हवाले से 8 बेसिक रूल्स थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। सो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का तरीका ये थोड़ा मैंने इजी किया हुआ है। एक डायरेक्ट स्पीच है, उसी के नीचे इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। आप यूं करेंगे कि आपने डायरेक्ट स्पीच सुनना है और फौरन ही उसका इनडायरेक्ट स्पीच आपने बनाना है।
या इस वीडियो को स्टॉप करके फिर आपने बनाना है, फिर प्ले करें, क्योंकि मैं पहले डायरेक्ट स्पीच बोलूँगा फिर इनडायरेक्ट स्पीच बोलूँगा, तो आपने साथ साथ उसके वो बनाते जाने हैं ताकि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सके, या आप साथ साथ लिखते जाएँ अपने, फिर आप मेरे बताए हुए जवाब को अपने आंसर्स के साथ कंपेयर करें। इस तरह आपको ख़ुद को इवेल्यूएट करने का, अपनी सेल्फ इवेल्यूएशन का एक अच्छा मौका मिलेगा। सो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, I have a new car. He said, I have a new car. Indirect speech. He said that he had a new car. दूसरे नंबर पर direct speech. डायरेक्ट स्पीच दूसरे नंबर पे, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम सीइंग माय ब्रदर टुमारो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी वाज सीइंग हर ब्रदर The following day, क्योंकि tomorrow को हम following day या next day में convert करते हैं, full stop, inverted comma जुड़ जाता है indirect speech में। Next हमारे पास direct speech है, You said, inverted comma start, I had a headache yesterday, inverted comma close, indirect speech, You said that you had a headache the day before yesterday. Full stop. Direct speech. He said, comma, inverted comma start. It's been raining since this afternoon, inverted commas close, indirect speech. He said that It had been raining since that afternoon. This afternoon को that afternoon में convert कर दिया है. Next है जी direct speech. She said, comma, inverted comma start. I haven't seen them since last week. Indirect speech क्या होगा? She said that she had not seen them since the previous week. Last को previous में convert कर दिया. ये rules हैं जो आप समझते जाएंगे. Direct speech. You asked comma inverted comma start, do they live here, inverted commas close question mark, indirect speech. You asked me if they lived here, full stop. Question को आप खत्म करके full stop normal में लेके आते हैं. इस question sentence को आप normal बनाते हैं और if की मदद से बनाते हैं. Direct speech.
You asked inverted commas start. Where do they live? Inverted commas close. Indirect speech. You asked me where they lived. Full stop. Next हमारे पास direct speech है. He asked inverted commas start. When are you leaving? Inverted commas close question mark. Indirect speech. He asked us when we were leaving. Full stop. Next हमारे पास जो direct speech का sentence है. She asked, comma, inverted comma start. How will they get here? Inverted commas close question mark. Indirect speech. She asked me how they would get here. Full stop. So student, ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक व्यू था स्पेशल इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो बेसिक रूल्स है वो हमने डिस्कस किए और साथ उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए और साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की. सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 1. आई होप दिस वुड हैव अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. किसी भी तरह का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं वॉइस नोट बना के या सिंपल मैसेज करके. सो आपने इस तरह लर्न करना है. यहाँ पे ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 27 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स. And this is also very useful for the candidate of competitive exams. So, जो एक या दो नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन में वो आप इन रूल्स की मदद से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि आप इन रूल्स को अच्छी तरह समझें. राइट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे. Inshallah, see you in next lecture, lecture number 28. That would be related to the part 2 of the rules of direct or indirect speech. So, till that, take care and goodbye.